डिटेक्टर में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं दोस्तों आपको आज एक एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूं जो है बहुत शानदार। आज तक दोस्तों मैंने ऐसी कोई मशीन देखी नहीं है, इतनी शानदार इसका परफॉर्मेंस यानी हाई पावर परफॉर्मेंस। ऐसी मशीन जो टारगेट को मिनिमम डेप्थ में डेप्थ सर्च करती है, और इस मशीन का नाम है मेंटिकोर मेटल डिटेक्टर। ये दोस्तों इस मशीन के अंदर बहुत शानदार सुविधा है, इतनी शानदार सुविधा मैंने आज तक किसी मेटल डिटेक्टर में देखी नहीं है। दोस्तों इसके अंदर 2D मैप ID है और इसकी हाई पावर मल्टी IQ इसकी सिस्टम में है। दोस्तों इसके अंदर है फास्ट रिस्पॉन्स करने की इसे टेक्नोलॉजी, इसके अंदर है दोस्तों पावरफुल मैप ID, इसके अंदर है दोस्तों ऑडियो योर वे, और इसके अंदर एक दोस्तों बहुत शानदार चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके अंदर है, देखो इसके अंदर लिखा है अल्ट्रा सर्च मोड। दोस्तों इसके अंदर अपने हिसाब से 10 अल्ट्रा कस्टमाइज मोड क्रिएट कर सकते हैं, और दोस्तों इसी के अंदर हम सेटिंग करते हैं जो हम खुद कस्टमाइज करते हैं। इसीलिए मशीन क्या फालतू में कोई मेटल को डिटेक्ट नहीं करेगी, लेकिन दोस्तों जो रियल टारगेट है उसी को ही मशीन डिटेक्ट करेगी। ऐसे 10 कस्टमाइज मोड इसके अंदर कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर एक दूसरी शानदार सुविधा है, वो मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ये बूस्टर EMIN इम्यूनिटी सिस्टम, ये दोस्तों सब मशीन के अंदर होती नहीं है, और इस मशीन के अंदर दोस्तों मैं आपको इस बूस्टर का मतलब बताना चाह रहा हूँ। इतनी फास्ट रिएक्ट करती है मेटल को डिटेक्ट करने में, जो समझ लो यहाँ पे कॉइल चल रही है और मेटल डिटेक्टर टारगेट वहाँ पे है, तो वो आराम से उसको डिटेक्ट कर लेती है और धीरे धीरे जाके वो टारगेट के आके रुक जाती है, क्योंकि वो काफी डिस्टेंस से भी मेटल को कैचअप करती है। दोस्तों ऐसी शानदार मशीन है, और दोस्तों मैं आज इसकी आपको डेप्थ टेस्ट दिखाने वाला हूँ, और दोस्तों हमारी सेटिंग के साथ जो हमने सेटिंग इसके अंदर किया है उसके साथ में आपको दिखाऊंगा। 1 इंच का कॉइन से लेके 1 फीट की थाली तक कितना डिफरेंट रहता है, कितनी डेप्थ जाती है, कैसी वॉइस आती है, कितनी ज्यादा डेप्थ में ज्यादा जो डेप्थ रहती है उसकी जो रीडिंग होती है क्या होती है, वैल्यूएबल मेटल की रीडिंग क्या होती है। और दोस्तों इसके अंदर एक ऐसी शानदार सुविधा है, समझ लो कोई भी आयरन का टुकड़ा रहा, कितना भी पुराना रहा, लेकिन अब इसके ऊपर जब वो कॉइल घूमेगी तो इसको ऑल मेटल में रहेगी तो वो रेड सिग्नल दिखा देती है, और गोल्ड सिल्वर कॉपर और ब्रॉन्ज कोई भी मेटल के रखो, कितना भी पुराना रहेगा तो वो दोस्तों इसके अंदर माइनस नहीं दिखाती, यानी वो उसका कलर अलग दिखा रही है दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर मेटल डिटेक्टर, ये मेटल के इसके यहाँ पे रात को हमको कहीं ट्रेजर हंटिंग करनी है तो दोस्तों यहाँ पे ये टॉर्च लाइट है, इसको भी आप चालू कर सकते हो, जिससे क्या होता है दोस्तों अंधेरे में भी हम ट्रेजर हंटिंग कर सकते। और दोस्तों इसका वेट शानदार 1 किलो 300 ग्राम है, वो बहुत ही लाइट वेट बोल सकते हो दोस्तों। और दोस्तों ये पाइप देख रहे हैं वो कार्बन फाइबर की है जो जल्दी से टूटती भी नहीं है। और दोस्तों इसके साथ एक और सुविधा है, इसके साथ 15 इंच की कॉइल भी आती है। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, मैं 11 इंच की कॉइल के साथ मैं आज आपको डेप्थ टेस्ट देने वाला हूँ, समझ लो नॉर्मल 11 इंच की कॉइल के साथ, और इस कॉइल के में कितना डेप्थ में जाती है मशीन वो तो मैं दिखाऊंगा ही। और दोस्तों इसके अंदर एक और शानदार सुविधा है, आप इसको अपने हिसाब से वॉइस टोन सेंसिटिविटी ये अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो, आपको आती है तो, वरना हम भी सेटिंग करके देते हैं दोस्तों। तो मेरे हिसाब से मेंटिकोर जैसा अभी तक इस रेट के अंदर कोई मशीन बना नहीं है, 1 लाख
34,700 की मशीन आती है दोस्तों, मेंटिक और सिंगल कॉइल के साथ, और आपको उसकी 15 इंच की कॉइल चाहिए तो वो भी हमारे पास पड़ी है दोस्तों, वो भी मिल जाएगी। ये 15 इंच की कॉइल, अगर दोस्तों ये नॉर्मल सी 11 इंच की कॉइल के साथ ये आराम से 5 से 6 फीट 1 फीट का टारगेट को डिटेक्ट कर लेती है, तो आप सोचिए 15 इंच की कॉइल के साथ आराम से वो 8 से 10 फीट आराम से जा सकती हो और नॉर्मल रोइस में जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसको तकलीफ पड़ेगी, इतनी हाई पावर फ्रिक्वेंसी है इसके अंदर, हाई पावर फ्रिक्वेंसी मल्टी आईक्यू, और दोस्तों शानदार सुविधा इसके अंदर है। इतनी शानदार सुविधा दोस्तों, इस मशीन को लेके आप जाएंगे तो आपको कभी समझ लो खड्डे होते हैं वो बार बार करने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा नीचे कौन सी मेटल है, क्योंकि इसके अंदर पूरी ऐसी सिस्टम लगाई है दोस्तों, कोई भी मेटल का टुकड़ा रहा तो वो तुरंत ही इसको आयरन का टुकड़ा रहा, कोई भी मेटल रहा उसकी आईडी अलग अलग, सबकी आईडी अलग अलग है दोस्तों, तो वही चीज इसमें मार्क करने वाली है दोस्तों। जिसको भी मैंने ये मेंटी कोर दिया है सर, वो सबको अच्छी खासी सक्सेस मिली है दोस्तों, और मैं भी अभी इसी को ही चला रहा हूँ। तो दोस्तों आगे देखते हैं, इसका डेप टेस्ट लेते हैं तो पता चलेगा, मैं हवा में बातें नहीं करता और एयर टेस्ट देने वाला हूँ दोस्तों। और इतना समझ लो, एयर टेस्ट में कोई भी चीज 5 से 6 फीट डिटेक्ट करती है तो वो जब जमीन के अंदर रहती है तो और भी ज्यादा डेप्थ में जाती है। तो देखिए आगे हमारा वीडियो, इसमें हम मशीन की सारी जानकारी और 1 इंच की मेटल से लेके 12 इंच की मेटल तक का हम आज टेस्ट करने वाले 11 इंच की कॉइल के साथ। तो आपको वही मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मशीन कहीं से भी मत लो, पूरी जानकारी जिसको पता हो उससे लो। हम दोस्तों ऐसे ही कहीं आपको कुछ कहते नहीं, क्योंकि ये सब हमने एक्सपीरियंस किया होता है, इसीलिए आपको कहते हैं कि भाई ये मशीन अच्छी है। समझ लो आपके पास इतना बजट है तो इस बजट के अंदर बहुत शानदार मशीन है, बहुत पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इसका आगे मैं टेस्ट दिखाऊंगा, तो आगे टेस्ट इसके, और जिसको भी हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट करो और हमें बताओ, आपको कोई दिक्कत हो वो भी आप हमको बता सकते हो, तो आगे हम इसका डेप्थ टेस्ट देखेंगे। चलिए देखो दोस्तों, ये मेंटी कोर है और मेंटी कोर 11 इंच की कॉइल के साथ दोस्तों, आज हम उसका डेप्थ टेस्ट करेंगे। और दोस्तों क्या क्या मटेरियल है डेप्थ टेस्ट के लिए वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये है नीचे डेप्थ टेस्ट का सब मटेरियल, देखो इस हिसाब से हम दिखाएंगे। 1 फीट की थाली है, ये 5 इंच का घड़ा है, फिर 3 इंच का वो बाघ का मुख है, फिर 3 इंच की वाड़की है, फिर 2.5 इंच की डब्बी है, और 1x1 का लोहे का टुकड़ा है, फिर 1.5 इंच का कॉइन है, और 1.25 इंच का है, और 1 इंच का। इस हिसाब से आपको डेप्थ टेस्ट दिखाने वाला हूँ मैं। तो देखो दोस्तों, ये हमारी मेंटी कोर है, इसके अंदर बढ़िया सा सेटिंग हमने कर दिया है, और इसका डेप्थ टेस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने इसको ऐसे सेट किया है। अब हम रखेंगे एक छोटा सा कॉइन 1.25 इंच का, 11 इंच की कॉइल के साथ है दोस्तों, बड़ी कॉइल नहीं, इसकी बड़ी कॉइल भी आती है, और लगाए बस। देखो दोस्तों, ये एक 11 इंच की कॉइल है दोस्तों, बड़ी कॉइल नहीं है, 11 इंच की कॉइल के साथ ये जाता है 24 इंच तक। देखो तो इससे बड़ा कॉइन अब रखेंगे, मोटो कॉइन ले ले, ये नहीं बिलो ले लें डायरेक्ट, ये थोड़ा बड़े साइज का कॉइन है दोस्तों, और हनुमान जी का कॉइन है। इसमें देखेंगे हम डेप्थ टेस्ट, आप जो आओ तो नहीं हुई,
देखो दोस्तों, मेरा मोबाइल आ रहा है तो उसको भी ये डिटेक्ट कर रही मशीन। ये देखो इतना बड़े साइज का वन 35 इंच तक डिटेक्ट कर लिया है इसने। अब हम इससे थोड़ा बड़ा मटेरियल लेंगे। और दोस्तों आपको लोहे का इसमें दिखाते हैं, लोहा इसमें कैसे काम करता है। चल बस देखो, एक लोहे का टुकड़ा है दोस्तों, ये पाइप का टुकड़ा है, ये 1 इंच का ही है और उसकी डेप्थ गई है 44-45 तक गई है दोस्तों। तो देखो इतनी शानदार मशीन आती है मेंटिकोर। मेंटिकोर के अंदर दोस्तों टारगेट आईडी की बहुत बेहतरीन सुविधा है। इसके अंदर दोस्तों लोहा होता है तो उसकी अलग से पता हो चल जाता है, और वैल्यूएबल मेटल रहता है तो भी उसकी अलग से रीडिंग आती है। तो दोस्तों जिसको भी मेंटिकोर चाहिए, हमारी सेटिंग के साथ चाहिए, वो हमें कांटेक्ट कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट टारगेट हमारा ये 2.5 इंच की डिब्बिया है जो आपको हम डेप्थ टेस्ट करके दिखाने वाले हैं। ये देखो बस देखो दोस्तों, ये 1.5 इंच की डिबिया 55 तक गई है दोस्तों। देखो 55 1.5 इंच की डिबिया। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि ये 15 इंच के कॉइल के अंदर ये मशीन कितना धमाल करती होगी। दोस्तों जिसको भी मेंटिकोर हमारे सेटिंग के साथ चाहिए तो हमें कांटेक्ट कर सकता है। देखो ये उससे थोड़ी बड़े साइज की वाड़ की है, इसको कासे की है, इसको हम डिटेक्ट करवाएगी ये कितना जाती है। देखो पावर, देखो उसका मेटल आईडी का पावर देखो दोस्तों। बस अभी थोड़ा कम डिटेक्ट करने लगी लेकिन डिटेक्ट करती है दोस्तों। ये भी सेम टू सेम ही है दोस्तों। और दोस्तों देखो ये थोड़ी पतली भी है इसीलिए, ये देखो ये 53 तक गई है दोस्तों, उससे थोड़ी कम लेकिन बहुत अच्छा कह सकते हैं दोस्तों। इतनी छोटी मेटल को भी इतनी डेप्थ से ये देखो अभी बाघ का मुंह के सिल्वर का है दोस्तों, ये सिल्वर का है। अब इसको हम डिटेक्ट करवाएंगे, ये होलो है अंदर से, सॉलिड नहीं है। बस बस देखो दोस्तों यहां से लग रही है, यानी समझ लो दोस्तों 5 फीट के करीब करीब इसमें डिटेक्ट कर लिया है 3 इंच की चीज को। अभी सीधा हम बड़ा टेस्ट दिखाएंगे, ये घड़े वाला देखो, ये मेरे इससे 5 इंच का है दोस्तों इसकी साइज, और 5 इंच की साइज के अंदर कितना डेप्थ जाती है। हम आडो पकड़, सेज ऊपर रख बेटा, हाँ एम
66 तक गई है। अब दोस्तों सबसे बड़ी मेटल है ये थाली जो 1 फीट की है दोस्तों, इसके अंदर कितना डेप्थ जाती है वो देखने रहा दोस्तों। एक 11 इंच की कॉइल के साथ इतना शानदार, देखो दोस्तों कितनी सारी डेप्थ बोल सकते हैं इसको, क्योंकि 1 2 3 लादी ऊपर गई है। सात फीट कह सकते हैं दोस्तों इसको। देखो ये देखो दोस्तों, यही हमारी सेटिंग की ताकत है दोस्तों। एक छोटा सा छोटा मटेरियल भी हम अच्छी तरह से इसको गहराई तक डिटेक्ट करवाते हैं। और दोस्तों ये एयर टेस्ट है, एयर टेस्ट से ज्यादा जमीन के अंदर रहेगा वो ज्यादा डेप्थ देता है तो मशीन बनकर। तो दोस्तों आपको किसी को भी माइंड लैब की कोई भी मशीन चाहिए तो हमको कॉन्टेक्ट कर सकता है दोस्तों। और हमारी शॉप ये गुजरात के अंदर तिरुपति मेटल डिटेक्टर, और देखो ये हमारी शॉप है दोस्तों तिरुपति मेटल डिटेक्टर। हमारे यहाँ पे ऑल मेटल डिटेक्टर मिल जाएंगे दोस्तों, आपको किसी भी मेटल डिटेक्टर चाहिए हमारे पास मिल जाएंगे, और एसेसरी भी मिल जाएगी मेटल डिटेक्टर की। कोई भी एसेसरी चाहिए, 15 इंच की कॉइल, 11 इंच की कॉइल, कोई भी एसेसरी चाहिए सब मिल जाएगी दोस्तों। तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। शानदार मशीनें हमारे पास पड़ी हुई है, और हमारे ये एक शॉप गुजरात के अंदर तिरुपति मेटल डिटेक्टर दोस्तों। तो आप हमको कॉल कर सकते हो, हमारे यहाँ पे आ सकते हो, ट्रेनिंग भी ले सकते हो। तो आप हमें इस वीडियो के अंदर हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप हमें ज़रूर कॉल कीजिए, मैं आपको पूरी सहायता करूँगा। ओके बाय।